आप बताइए ना। सॉरी सर, सब्सक्राइब टू IPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, IPM व्लॉग्स बैक इन। तो फिलहाल ये है गोवा के अंदर अभी डे वन। कल ही मैं गोवा आया था एंड भाई कल बहुत सारे कांड हो गए। साथ में आए हुए हैं सूर्य भाई और समर्थ भाई। कैसे हो दोनों? बहुत बढ़िया भाई, बहुत। सूर्य भाई बताओ कल क्या हुआ हमारे साथ भाई? कल जो होटल देखा था ना भाई फोटोज में, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं था। और उसके पीछे भाई कब्रिस्तान भी था भाई। मैं भाई लिटरली हो गया कि भाई मैं तो रुक रही हूँ, क्योंकि इनका जो रूम था वो फिर भी थोड़ा ठीक था, बट मेरे रूम के साथ बिल्कुल था कब्रिस्तान भाई। तो मैंने बोला भाई मेरे को व्लॉग नहीं बनाने, हॉरर व्लॉग्स यहाँ पे आकर के। तो अभी करते हैं हम लोग को कंटिन्यू। अभी मैं आ चुका हूँ एक नए से होटल में, कलाको में करा 3 बजे रात को चेक इन। यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ज्यादा एपिक है। वैसे कलाको हमको लग रहा था ठीक ठाक से यहाँ का व्यू होगा, बट यार द व्यू इज वेरी वेरी एपिक। एंड यहाँ से बिल्कुल पास में कैलिंगवुड बीच भी, तो वहाँ भी आज जाने वाले हैं। तो बैठ चले नीचे करने के लिए ब्रेकफास्ट। लेट्स गो। वेल सो व्हाट्स अप गाइस, IPM व्लॉग्स बैक हियर। सो एक बार दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ का व्यू। तो वहाँ पे पूरे कोकोनट ट्रीज हैं एंड यहाँ पे नीचे स्विमिंग पूल है। तो ये है पूल साइड एंड यहाँ पे ये बालकनी है। तो हम गोवा आए क्यों सूर्य भाई, बता दो एक बार। ब्रांड के लिए फोटो शूट करने आए हैं। तो उनका हमने फोटो शूट करना है पूरी, ये उनकी टी-शर्ट क्लोथिंग है। A few moments later. तो अभी सूर्य भैया और समर दोनों लड़ रहे हैं आपस में, मतलब आपस में नहीं, एक बार उनके खाना ब्रेड दिखाओ। ये ब्रेड में देखो फंगस आई है। तो अभी दोनों पूरी डिस्कशन की क्या करा जाए। तो अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई भी करी है हमने। तो सूर्य भैया अब क्या कहना है? क्या कहना है यार? सॉरी सर, क्या बोलोगे आप? नहीं आप बताइए ना। सॉरी सर, क्या? हेलो भाई, ब्रेकफास्ट तो हो गया है एंड यहाँ पे अब आ गए हैं स्विमिंग पूल वाले एरिया पे। एंड अभी उड़ाया ड्रोन एंड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं ड्रोन शॉट्स, है ना सूर्य भाई? भाई देखना यार मजा। ठीक है, अभी ड्रोन कहाँ से आया? तो मेरे फ्रेंड है डॉक्टर जलस कुमार, मेरे को इन्होंने वाला ड्रोन दिया है। ताकि भाई उनको भी थोड़ा सपोर्ट करो एंड भाई को सबके सब्सक्राइब करो। एंड अब ड्रोन शॉट एक बार इन्जॉय करो। बहुत मजा आया इन लोगों ने अपनी, देखो बियर वगैरह पी है और अब जा रहे हैं रूम की तरफ एंड ड्रोन शॉट वगैरह भी ले लिए। चलो तो यार अभी तो हम जा रहे हैं कांतोलम, जैसे हम करेंगे बाइक्स अपनी कलेक्ट जो कि है यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। एंड यहाँ पे ओला और उबर नहीं है, है ना सूर्य भैया? नहीं है भाई। तो यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी नॉर्मल टैक्सी ही हायर, जो कि आपसे मांगेंगे बिल्कुल ऐसे ऐसे रेट, जो कि 5 किलोमीटर के 500 रुपये, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे रेट्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पे इसके रेंट स्कूटी एंड बाइक्स ऑल्सो। स्कूटी कितने की भी है यहाँ पे? एक्टिवा स्कूटी की मिलती है कभी विकेट में मिलती है 400 में, विदाउट विकेट में मिलती है 300। और थार वगैरह क्या प्राइस है यहाँ पे? थार वगैरह है अभी 1500-1800। अच्छा, विदाउट विकेट के। ओके, ये तो बढ़िया सूर्य भैया, गाड़ियाँ सस्ती हैं यहाँ पे मतलब। बट इस चीज़ के बारे में आपसे मेरे को बात करनी है और वो बात करेंगे गाड़ी में चल के। एंड वो बात है गोवा का स्कैम, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे करते हो कोई बाइक या गाड़ी रेंट, तो हमेशा उस पर चेक करना आप स्क्रैचेस की गाड़ी पे स्क्रैचेस कितने हैं, डेंट्स कितने होंगे। जब आप गाड़ी करोगे वापस तो ये कुछ ना कुछ सबसे करेंगे करेंगे कि आपने ये डेंट मार दिया, आपने वो स्क्रैच मार दिया गाड़ी पे, है ना सॉरी भैया? हाँ भाई होता ही है, हमेशा ये यहाँ पे स्कैम होता है उसकी। तो हमेशा बी अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड हमेशा जब करोगे कार वगैरह अपनी रेंट, तो उसकी वीडियो बना लो एंड पूरी फोटो वगैरह खींच लो कि गाड़ी में कहाँ है, गाड़ी पे स्क्रैचेस यहाँ पे हैं, डेंट्स, क्योंकि इससे यहाँ थोड़ा सेफ रहोगे। क्योंकि यार यहाँ पे पूरा स्कैम चलता है हमेशा, लाइक पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे स्कैम हुआ था, तो थोड़ा से सावधान रहो। कैंडोलिम के अंदर और यहाँ खड़ी हैं 2 सुपर बाइक्स, तो इनको मैं अभी करूंगा रेंट। एंड फेल थैंक्स टू अनप्लस गोवा फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दी सुपर बाइक्स। एंड यार ये बहुत तगड़ी तरीके से हो रखी है मॉडिफाई। ये है BMW GS310 एंड वो वाली है डुगाटी स्क्रैम्बलर। खुद ही लाओगे आप? चलो मैं चलूँगा डुगाटी। एंड फेल थैंक्स टू अनप्लस गोवा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाती है सारी सुपर बाइक्स अगर आप आते हो गोवा। आपको करनी है रेंट सुपर बाइक्स, क्योंकि यार यहाँ पे आके तो मतलब बिल्कुल अलग ही मजे आते हैं गोवा। तो अगर आप यार जब दिल्ली में सुपर बाइक चलाते हैं तो गोवा में क्यों नहीं? चलो ये बात भी है, मेरे को इन्होंने कहा था कि भाई सुपर बाइक ही लेंगे, ठीक है भाई, नहीं तो मैं इंटरेस्ट था कि भाई उठा लेंगे। नहीं भाई दोनों ले लेंगे, यही भी बात है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ फैट फिश, जो कि यहाँ से है 1 किलोमीटर, क्योंकि मेरे को लग रही है भूख। सुबह का ब्रेकफास्ट खाया था और खाया भी नहीं था, क्योंकि यार ब्रेड में फंगस निकल गई थी, तो कुछ पॉइंट नहीं है फिर ब्रेकफास्ट खाने का, क्योंकि दिल का हाल बढ़िया बोलते हैं ऐसे। तो गोवा का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है फैट फिश, तो गोवा और फैट फिश ना जाओ तो कुछ फ़ायदा नहीं। एंड आप लोगों को हैरानी होगी, मैंने 3 से 4 महीने से नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाया, तो अभी नॉनवेज में नहीं खाने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल मन हटा नॉनवेज से।
मैं वेजिटेरियन बन रहा हूँ। मैंने एग भी बहुत टाइम हो गया, लगभग एक महीने का खाया हुआ एग भी हो गया, तो मैं प्रॉपर एक वेजिटेरियन बन रहा हूँ। क्योंकि मेरे को पापा भी बोलते हैं कि जो पापा हैं वो मेरे हैं एस्ट्रोलॉजर, एंड मेरे को हमेशा बोलते हैं कि नॉनवेज खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है फॉर माई हेल्थ, तो यार क्यों ही रिस्क लो, हेल्थ है तो पूरी लाइफ है। मतलब बाइक वाइक हो और अगर हेल्थ ही अच्छी ना हो तो फ़ायदा क्या है ना। बाइक का पिकअप इज़ वेरी वेरी गुड। और यहाँ पे ना हर सैटरडे को होती थी नाइट मार्केट, बट अभी वो हो नहीं रही है। एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी, मतलब हर जगह देखो पेड़ ही पेड़ एंड ह्यूमिडिटी बहुत आ रहा है, बट पता नहीं कहाँ रह गए यार ये लोग। जस्ट लुक एट दिस, इतनी ज़्यादा वेटिंग, भीड़ देख रहे हो, इतनी ज़्यादा भीड़। एंड हेयर आई एम, सामने एक रिवर है एंड ये मैं पहुंच गया फैट फिश। अभी मैं आ गया हूँ फैट फिश के अंदर, का जो नाम है वो है नॉन वेजिटेरियन, बट यहाँ पे आके मैंने ऑर्डर करा है वेजिटेरियन फूड। तो ये समझ भी आया क्या ऑर्डर करा भाई? मैंने स्पेगेटी वाइट एंड, पहले भी स्पेगेटी ऑर्डर करी थी वहाँ पे, मैंने भी वही स्पेगेटी ऑर्डर और साथ में बियर। मतलब यहाँ पे कहीं चले जाओ वहाँ पे बियर मिलती है, मैं देख रहा हूँ इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे, देखो वेटिंग चल रही है अभी। A few moments later. तो ये आ गई मेरी गोंड करी एंड ये स्पगेटी खा रहे हैं एंड ये भी स्पगेटी, और इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि कॉलीफ्लावर, आलू, मटर बहुत कुछ है, देखता हूँ कैसी होती है। सर्व करिए विद राइस, और ये है मैंगो पेपर मॉकटेल। आपकी तो कॉकटेल ही होगी हमेशा की तरह। नहीं भाई, तो हमने पूरा भी खाना खा लिया है एंड जो हमारा बिल है वो आया 2814 का, एंड जो खाना यहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ठीक है, टेस्ट में ही था ना, टेस्ट में था, फूड वॉज गुड। तो हमने अभी तीनों ने कंट्रीब्यूट करा है ना सूर्य भैया, और सूर्य भी पूरा भी कैश निकाल रहे हैं कि क्या पूरा सीन है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि पैसे देते हैं सूर्य देखो कि अब आप संभालो हमारा कंट्रीब्यूशन। और शायद से भैया आज हम कहाँ जाने वाले हैं? तो मैं निकल रहा हूँ फैट फिश से, निकलते देखो यहाँ पे खड़े हैं पुलिस वाले, बिकॉज द रीज़न इज़ कि अगर कोई फैट फिश जा रहा तो कुछ ना कुछ खाएगा पिएगा ना, तो उनको पता है कि यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइव की दिक्कत है, इसलिए बिल्कुल बाहर ही खड़े हैं रेस्टोरेंट के। तो मेरे को जाना है अभी होटल, मैं यहाँ से वही लूँगा यू टर्न। And we reached. 3 hours later. तू ड्रोन शॉट्स ले लिए? बहुत बढ़िया बढ़िया लिए हैं। और अभी हम आ चुके हैं बागा बीच पर, यहाँ पे फेमस है टीटोस लेन। तो पहले एक बार आप जाके देखो ड्रोन शॉट, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट्स आए हैं सनसेट के, तो जाओ। हो गया टाइम हाई टाइड का, इसलिए सबको पानी से बाहर कर दिया है। और सूर्य भी ये कह रहे हैं कि मेरी कोई इज्जत नहीं है, तुमने मेरे पास सामान सारा सा रखवा दिया और गया। भाई सुनो, ये अच्छे सही लग रही टी शर्ट, क्या लिखा है इस पे? पीछे घूमो, ये बढ़िया है। वही क्या हो गया, ज्यादा बियर पी ली। तो अभी आ चुका हूँ मैं अपने रूम के अंदर एंड मेरे को मिल गया था यहाँ पे सुबह ही एक नया रूम, क्योंकि मैंने इनसे करे थे रिक्वेस्ट कि मेरे को चाहिए दो रूम्स एंड मैंने फिर करी थी दो रूम्स की बुकिंग, क्योंकि कल को जो मैंने बुकिंग करी थी होटल की वो था मेरा सैंटियागो, और उसके अंदर जो फोटोज़ की उन्होंने दिखा रखी हैं, अभी बार देखो स्क्रीन के ऊपर कि इन्होंने ये दिखा रखी हैं फोटोज़ वेबसाइट पर कि ये है हमारा पूरा होटल और असली में वो क्या था, आपने वो भी देखा होगा। तो यार मतलब ये पूरा गलत सीन चल रहा है आजकल वेबसाइट्स पे, मतलब ये प्रमोशन लगा लगा के अपने आप को बूस्ट कर लेते हैं प्रोफाइल्स को अपनी, उसके बाद में ये दिखाते हैं कि हमारा जो होटल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जब आप जाते हो तो वो बिल्कुल अलग होता है।
तो अभी रात को मेरे को बड़ी मुश्किल से 5 होटल घूमने के बाद में एक ही वाला होटल मिला, तो उसके अंदर मैं आके रुक गया हूँ। मेरे को कल को सिर्फ एक ही रूम मिला था, तो मेरे को शेयर करना पड़ा था सूर्य भैया समर्थ के साथ में। एंड अभी मैं जैसे ही मेरे को रूम मिला तो मैंने अपना पूरा सामान के अंदर डाल दिया। तो आप लोगों से करता हूँ मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर अपना, कि मैं 9th क्लास में गया था हॉस्टल, एंड वो मेरा था पहली बार हॉस्टल का। एंड यार मेरे को वहाँ पे बहुत अजीब सा लगा था जब मैं रुका हुआ था एक रूम के अंदर 4 बैचमेट्स के साथ में। एंड आई वॉज लाइक कि यार ये क्या हो रहा है, कोई उधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, तो मेरे को उस चीज़ की आदत नहीं पड़ी हुई थी। तो उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट करी हॉस्टल वालों से, एंड मेरे को उन्होंने दे दिया था मेरा एक सिंगल रूम, एंड उसमें मैं रहा था अकेला 1 साल, और बहुत मज़ा आया था क्योंकि यार अकेले रहने में हमेशा आदत पड़ी हुई है। तो आप लोग मेरे को बहुत लोग बोलते हो कि मैं अकेला क्यों रहता हूँ, तो यही रीज़न है कि मेरे को बिल्कुल अकेले जब भी मैं होता हूँ, लेकिन मेरे को दोस्तों के घूमना बहुत पसंद है एंड उनके साथ मैं ट्रिप वगैरह भी करने के लिए आता हूँ, बट जब भी मैं होता हूँ अकेला तो आई वॉन्ट माई पर्सनल स्पेस, कि मैं अपना लैपटॉप वगैरह पर काम करूँ, उसके बाद में मैं कुछ खाऊँ पीऊँ। इसे मैं अभी देखो मैंने ऑर्डर करा डॉल्स अपने लिए, तो यहाँ पर जो पूरा सीन है डॉल्स का वो अलग है। यहाँ पर मैक कैफ़े है, डेली में क्या होता है आपको मिलती है सिर्फ एक ही तरह की कोल्ड कॉफ़ी, बट यहाँ पे है 18 तरीके की कोल्ड कॉफ़ी 18। और साथ में मैंने अपने ऑर्डर करा ये अमेरिकन चीज़ सुप्रीम बर्गर, ही कुछ नया है, एंड साथ में मैक्सिकन फ्राइज। तो गाइज विद दैट सेड मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय। सब्सक्राइब कर देना है YPM व्लॉग्स में, क्लिक कर देना बेल आइकन को। एंड मैं गोवा आया था एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन से, एंड वो जो काम है वो अपना बहुत सही जा रहा है, तो उसको मैं करूँगा बहुत जल्दी रिवील, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, एंड मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे फॉर द फर्दर अपडेट्स, एंड स्टे सेफ, बाय।